दिस इज रिया शुक्ला एंड कैच मी ऑन देसी फीड. क्योंकि आप लोग जो हमें टाइम देते हो, वो लोग भी चाहते हो कि सेम एनर्जी आप सबको हम देते रहे. और अगर हम टीवी सीरियल कर रहे हैं ना सर, तो हमें हर एक दिन किरदार जो हमें अपने दिखाने पड़ते हैं, उसमें सेम एनर्जी रखनी पड़ती है. अगर किसी दिन भी हमने लो किया तो हमारा काम पसंद नहीं किया जाएगा. फिल्म टू मूवी की अभी जो आपने मतलब मूवी टू सीरियल की आपने ये बात की है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता है. क्योंकि अभी अपना काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं. मैं तो अभी सर नाम बना ही रही हूँ, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्म तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में टीवी सीरीज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका चल भी रहा है. तो ये सर एक छोटा सा एक प्रॉब्लम अभी आजकल के माइंडसेट में हो गया है कि अगर हम टीवी शोज़ कर रहे हैं उसके बाद में मूवी में जाते हैं तो दैट विल बी ओके, बट अगर हम मूवी से टीवी सीरियल में आते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होती है. तो मेरे हिसाब से तो ये कोई बात मैटर नहीं करती है. और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो टीवी सीरियल में जो मैं 5 स्टार वाले को उतनी पसंद आऊँगी जितनी मैं चाय के टपरी वाले को पसंद आऊँगी, उसके घर में भी मेरे लिए चर्चा वैसी होगी जैसे वो चाय छानेगा, और वैसी ही चर्चा मेरी होगी जब वो कहीं पे वाइन सर्व करेंगे कि नाटी पिंकी की बात हो रही है. तो मुझे ऐसे लोगों के लिए मिलना था कि अगर मुझे ऊँचे लेवल के लोग पसंद करें तो मुझे नीचे लेवल के भी लोग पसंद करें. नहीं नहीं सर, सर मैं देखिए मैं बहुत अच्छे काम, मैं बेहतर एक्टिंग और बेहतर काम को प्रेफर करती हूँ. मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है वो किस जॉनर में जा रहा है. मुझे अगर आप छोटे से बड़ा या आप मूवी कर रहे हो या ये कर रहे हो, डजंट मैटर. आई थिंक आपका काम वर्क करता है. अगर आप छोटे से भी एक रोल में अगर आप दिख रहे हो ना, और आपकी वो आदत है कि आपने ये कर दिया, आपको लोग उसमें भी पसंद कर लेंगे. तो अगर मैंने फिल्में अगर की हैं तो मुझे महज सिर्फ 1 मंथ तक लोग याद रख सकते हैं. मुझे एक हफ्ते तक अगर मूवी अच्छी चल रही है तो एक हफ्ते तक लोग याद रख सकते हैं, लेकिन 12 महीने वो मुझे नहीं याद रखेंगे. उसके लिए मुझे ये शो करना ज़रूरी था. अभी तक की सर जर्नी थोड़ी तो थकाऊ है लेकिन हाँ, साथ में ये है कि आप लोग जब ऐसे एक्साइटेड होकर हम लोगों से पूछते हैं ना, तो बस ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और बस लगता है कि भाई मेहनत रंग ला रही है. हाँ, पिंकी की लव स्टोरी में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मिक्सअप मैच हैं. जैसे कि नॉट बेसिकली अ लड़का, वो लड़का खोज रही है, ऐसी कोई बात नहीं है. फैमिली के साथ कैसी बाउंडिंग होगी लव स्टोरी को लेके, क्योंकि लव स्टोरी सिर्फ लड़का और लड़की की नहीं होती है. लव स्टोरी लाइक फैमिली, लव स्टोरी लाइक फ्रेंड्स, लव स्टोरी लाइक हम जो अपने नेबरहुड्स को करते हैं. तो पिंकी के साथ भी आपको यही सब देखने को मिलेगा कि उसका परिवार की तरफ क्या आकर्षण है, उसका अपने पड़ोसियों की तरफ क्या आकर्षण है, और उसका दोस्तों की तरफ अपने क्या आकर्षण है. ये सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे. और साथ में एक फ्लेवर ये भी मिलेगा कि एक सामाजिक एक बहुत ही कड़ा मुद्दा आजकल उठ रहा है, वो ये है कि बॉडी शेमिंग बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है. यहाँ तक कि आजकल काम भी बॉडी शेमिंग की वजह से अधिकतर बहुत ही मजे अच्छे एक्टर्स को नहीं मिलता है, सिर्फ इस वजह से कि उनका रंग काला है, उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं. तो ये जो बॉडी शेमिंग पे सर ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो कीड़ा आजकल के लोगों के दिमाग में भर गया है, उसके लिए ऐसे शोज़ लाना बहुत ज़रूरी है. और नाटी नाटी जो ये वर्ड यूज़ हुआ है ना, कुछ टाइम तक तो काफ़ी लोग इससे डिप्रेस्ड थे. काफ़ी लोगों ने तो रिकग्नाइज ही नहीं करना किया कि यार ये क्या लेके आ रहे हैं, नाटी नाटी वर्ड लेके आ रहे हैं. लाइक नाटी एक मतलब पसंदीदा चीज़ को नापसंदीदा चीज़ जिसको बोलते हैं ना, कि नाटी अच्छी चीज़ नहीं है, नाटी एक बुरी चीज़ है. वो जो बुरा जो टैग है ना सर, वो टैग को हम लोग मिटाने के लिए आ रहे हैं. सर अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से आपको बात करनी पड़ेगी और राइटर से बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या लाइंस और क्या गाने वो दे सकते हैं. बट स्टिल अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि शो में भी अगर हमें गाने का मौका मिलता है, तो ऑफकोर्स हम ज़रूर गाना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई गाना तो गाना है. लग रहा है ना इंटरेस्टिंग, लग रहा है ना, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग अभी से बनता जा रहा है. तो बस अब आप यही सोच लीजिए कि अब इन दोनों के साथ क्या हो सकता है, वो भी नाटी पिंकी के साथ क्या हो सकता है. तो आप इन दोनों लोगों को इन्जॉय करिए. और सर बहुत सारी ज्वेलरी लाइक क्योंकि ये यूपी बेस्ड स्टोरी है और टिपिकल ब्राह्मण फैमिली है और काफ़ी अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं लोग और काफ़ी जाने माने लोग हैं ये, तो उस हिसाब से यहाँ पे ड्रेसअप और ये सारी चीज़ें को डिसाइड किया गया है.
उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे के लोग यूपी के लोग कैसे महज रहते हैं। मेरी भी दादी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो भी ऐसे ही लुक में रहती थी, तो मैं इन्हें इमेजिन कर सकती हूँ कि ये अगर अभी दादी हैं तो कैसी है। मैंने उनको देखा नहीं अपनी दादी को, लेकिन मैं भारती जी के रूप में अपनी दादी को पा चुकी हूँ और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं रागी के लड्डू बहुत खा रही हूँ। सर आपको क्या लगता है? हाँ चलें तो अब हम बता देते हैं आपको, अभी के लिए तो अभी हम बता देते हैं, बाकी तो फिर आप लोग ही बताएंगे हमें। तो सर रिया भी विटी है और पिंकी भी विटी है, बस रिया में उफान है, पिंकी में उफान नहीं है, पिंकी में ठहराव है। और रिया भी हंसती है और पिंकी भी हंसती है, लेकिन एक एक जो डिफरेंस चीज डिफरेंट है हम दोनों में, डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वो अपने पापा को इतना ज़्यादा मानती है कि अपने आप को नुकसान तक पहुंचा सकती है वो, लेकिन रिया में ऐसा नहीं है। रिया का दिमाग थोड़ा सा है, तो अगर पापा की जहाँ बात आती है, कैरेक्टर की जहाँ बात आती है, तो वो पहले बात को समझती है कि समझ कहाँ पे जा रही है, पापा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और रिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं हम में और पिंकी में। पिंकी को ये सोचने का मौका तक नहीं मिलता है, तो आप पिंकी और रिया में इतना ही डिफरेंस देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपकी मुझसे पिंकी सुन के। तो छोटे नाटे पतले मोटे होने से कुछ नहीं होता है भैया, आप सिर्फ अपना काम अच्छे से करिए और अपनी मेहनत बेहतरीन रखिए, सब पे चार चांद लगेंगे। देखिए हम बता नहीं पाएंगे अभी आपको, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ग्राउंड लेवल की स्टोरी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हाई फाई कुछ नहीं लिखा है, आम इंसान कनेक्ट कर पाएगा ऐसी स्टोरी है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाए, ऐसा कुछ हम पेश करने की कोशिश करेंगे। और एक नाटी और छोटी मोटी पतली एक अलग अलग तरह के जो लोगों को नाम दिए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचें और अपनी लाइफ में कुछ मकाम हासिल करें। और साथ में एक हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी लाइफ में ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो लंबा, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, इंटेलिजेंट, सो समहाउ उसका भी ऐसा कुछ मन है जो कि हर लड़की का होता है। सो वो उसकी भी एक स्टोरी पैरेलली चलेगी, सो इट्स गोना बी फन। नहीं एक्चुअली टाइटल के बाद एक्टर्स हुए, जैसे जैसे उन्होंने स्टोरी लिखी उसके हिसाब से कैरेक्टर्स डिसाइड हुए, उसके हिसाब से फिर कास्टिंग हुई। डेफिनेटली एक प्रोसेस होती है कास्टिंग की, उसके थ्रू सभी को गुजरना पड़ता है, तो उसी के थ्रू कास्टिंग हुई है। एक लुक टेस्ट होता है और कुछ शूट्स होते हैं पहले, तो अगर जेलिंग अच्छी है कैरेक्टर्स के बीच में तो उसके बाद फाइनल चीज़ होती है सामने। आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अर्जुन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुझे लगता है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस टाइप का बंदा है, इसका एक अपना अलग कैरेक्टर है, अपना एक अलग अपने इमोशंस को थोड़ा छुपा के रखता है, एक आउटर शेल रखता है जिससे कोई उसे हर्ट ना कर पाए। एक इसकी लाइफ है जो उसे लीड जिसे वो लीड करता है, बिजनेस में बिजी रहता है, अपनी फैमिली को हैंडल करने में लगा रहता है जिससे इधर उधर उसका डिस्ट्रैक्शन ना हो, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखता है। और साथ में पिंकी है, तो पिंकी की लाइफ में वो भी एक हिस्सा रखा हुआ है, क्योंकि पिंकी का कहीं ना कहीं उससे कुछ रिलेशन है जो कि आपको शो में रिवील होगा, जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो पिंक चाहता है कि पिंकी कहीं भी डीमोटिवेट ना हो किसी भी चीज़ की वजह से, जैसा कि नाइटी पिंकी टाइटल दिया हुआ है, तो उसको हमेशा बूस्टअप करता है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। यार मैं गगन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प कैरेक्टर है, बस इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकूँगा, आपको शो देखना पड़ेगा। और यही यार बस कैरेक्टर के बारे में तो फिलहाल ये। दादी को जैसा बाकी शोज़ में हमने देखा है कि दादी बहुत ही टिपिकल दादी टाइप होती हैं, सिर्फ बूढ़े बुज़ुर्गों वाला हिसाब किताब चलता है, लेकिन यहाँ पे दादी आपको पानी पूरी के चाट मसाला की तरह है एकदम। तो दादी का जो पिंकी के साथ में जो बातचीत है, आप लोगों को हंसा हंसा के ना पेट दुखेगा, और फिर उनकी बीच की ऐसी बातें होंगी जो आपकी आँखों से आंसू भी ला देगा। तो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है दादी का, सबसे अलग है, सबसे अलग सबसे बेहतरीन कैरेक्टर दादी का। टू बी ऑनेस्ट सेट पे जो हमारे डायरेक्टर साहब है बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जो भी प्रोडक्शन और चैनल के लोग थे, ऐसा फील नहीं कराया कि पहला दिन है। एक वो होता है आपके दिल में थोड़ी सी धक धक रहती है कि हम पहले दिन जा रहे सेट पर,
लेकिन जब वो शूटिंग स्टार्ट हुई तो पता ही नहीं चला कि पहला दिन ख़त्म हो गया और लगा नहीं कि पहला दिन था। तो बहुत ही कंफर्ट जोन में थे हम लोग, और स्पेशली मैं, मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट डे है मेरा फर्स्ट डे। टू बी ऑनेस्ट, इसमें कुछ ऐसा सीन था जिसमें मुझे ठंड का काफ़ी एहसास हुआ। स्टार्ट वहाँ से हुआ, वो आप देखेंगे तो शायद आपको पता पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था, बट ओवरऑल आई एम लविंग द शूट। डेफिनेटली अभी तो स्टार्ट है, सीखने के लिए प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलता है उनका एक्टिंग का, जैसे वो एक्ट करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस के पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो सब चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि इतने सालों से, मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, तो उनसे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो बस शुरू। बिग बॉस तो आई थिंक उसका स्लॉट अलग है 10:30 बजे का, हमारा 9:30 बजे पर आएगा, तो आई थिंक हमारा इतना कुछ वो नहीं होने वाला, ना एक क्लैश होगा या कुछ ऐसा होगा। बट यार बिग बॉस से हमारे शो का आई डोंट नो ऐसा कुछ कनेक्शन बिठाया जा सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, हमारा एक नॉर्मल शो है। तो मतलब कह सकते हैं कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, नॉट पर्टिकुलरली। हाँ मेरा फ्रेंड है उसमें, पारस है, सो माहिरा के साथ मैंने काम किया हुआ है नागिन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने में आ जाता है। वो बिग बॉस के लिए तो मैं अभी क्या कहूँ, उनकी बिग बॉस में एक अलग जोन रहता है, तो बिग बॉस के बारे में शायद हम बाद में बात करें तो बेहतर रहेगा, अभी हम नाटी पिंकी की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मेरे फेवरेट पारस और सिद्धार्थ हैं, तो आई विश दोनों में से कोई जीते। दोनों नेचुरल है, मतलब जैसे हैं वैसे हैं। ऑडियंस को यार कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से ये सीरियल बना रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अलग डिफरेंट तरह की स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, लव स्टोरी है, और सोशल मैसेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो प्लीज़ 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 अपना प्यार दीजिए, इसे देखिए। और देखने के लिए आपको 27 जैन ऑनवर्ड्स मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड वूट। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट गाइस, प्लीज़ वॉच इट। या मैं कहना चाहूँगा कि इसको कोई नॉर्मल शो मत मानिए कि जो आप टिपिकल ड्रामा देखते हुए आए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ये आप ऐसा शो है जिसे आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको शायद ये टच भी करे, आपके जहन में बहुत सारी बातें रहने वाली हैं इसको देखने के बाद। सो डू वॉच इट, इट्स गोना कम ऑन 27th ऑनवर्ड्स ऑफ दिस मंथ जनवरी, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स एंड